हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज है अष्टमी और अभी बज रहा है सुबह का 7 और मैंने नहा लिया है और घर का झाड़ू पोछा किया है और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो आज हमारे वहाँ है कन्या पूजन, तो हम लोग आज अष्टमी को ही कन्या खिला रहे हैं। बस मैंने अभी झाड़ू पोछा लगा के और फिर नहा लिया है और अभी बच्चों को नहीं नहलाया है क्योंकि वो नहाएंगे अपने पापा के साथ। काफ़ी टाइम हो जाता है, उनको भी नहलाती तो फिर बहुत लेट हो जाता, तो इसलिए सबसे पहले मैं बना लूँगी प्रसाद और मंदिर में चढ़ाने के लिए। और बच्चे भी पता नहीं कब आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने फटाफट से नहा के और अब मैं किचन में कर लेती हूँ तैयारियाँ प्रसाद बनाने की। और चने बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी। तो चलो फिर चलते हैं किचन में और कर लेती हूँ अपना काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और रात को ही मैंने चने भिगा के रख लिए थे और अभी मैंने छन्नी में इनका पानी मतलब सारा निकाल लिया है। और टमाटर और मिर्ची और अदरक मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। लहसुन प्याज तो डालते नहीं हैं व्रत में और वैसे भी माता रानी का भोग बन रहा है तो इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ता। तो बस सिंपल सा बनाऊँगी और बहुत ही मतलब अच्छा बनता है इस दिन का जो प्रसाद होता है ना, मतलब ऐसे नवरात्रि का या कुछ भी आप मंदिर का प्रसाद बनाओ तो बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रखा है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल और उसके बाद मैं यहाँ पे सूजी भूनने की तैयारी कर लूँगी मतलब प्रसाद की। तो वो भी मैंने चीनी घी वगैरह जो भी मुझे चाहिए वो सारा मैं निकाल के रख लेती हूँ। और काम करते करते ना किचन में भी ना काफ़ी सामान फैल जाता है, तो मतलब जगह पे इसको रख लिया तो फिर किचन भी खाली खाली सी हो जाती है। और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा चटकने के बाद मैंने जो टमाटर मैश करे थे वो इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे तेल में टमाटर को अच्छे से, मतलब टमाटर अच्छे से पक जाए इतना। फिर मैं कर लूँगी मसाले की तैयारी। तो मसाले के लिए मैंने डाल दिया नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला छोले मसाला। तो मैं चने में बहुत कम पानी मिलाऊंगी, मतलब मैंने आधा ग्लास के करीबन इसमें पानी मिक्स किया है। बस जितना इसमें मसाला मतलब अच्छे से घुल जाए बस इतना ही मैंने पानी डाला है। तो आधा ग्लास के करीबन मैंने पानी मिक्स किया होगा। और जो ये नौमी अष्टमी नौमी को जो मतलब चने बनते हैं वो ऐसे ही चने बनते हैं एकदम सूखे सूखे वाले। तो बस अच्छे से यहाँ पे टमाटर भी हो चुके थे मिक्स, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें चने। और चने का ना मैंने जितना भी पानी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल लिया है पानी में। इसमें मैं जितना मैंने मसाले में डाला है सिर्फ उतना ही पानी में डालूँगी। उसके बाद मैं चनों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी टमाटर के साथ में। अभी मैंने मसाले नहीं डाले हैं तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया और 2 मिनट के लिए फुल गैस पे, मतलब जब तक अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसको चलाऊंगी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मसाला, जो मसाला मैंने तैयार किया था बस उतना ही मसाले का पानी जो भी हमारा रहेगा वो ही पानी में इसमें मैं डालूंगी। तो मसाला डालने के बाद मैंने चनों को अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले के साथ में और बस थोड़ी देर के लिए इसको चलाया। और उसके बाद मैं इसमें सीटी लगा दी, कम से कम 3 या 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगानी है, फुल फ्लेम नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम पे 3-4 सीटी लगानी है। तो यहाँ पे अब चने मैंने रख लिए हैं कोकोने के लिए। तो ये प्रसाद बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें मेजर कर ली हैं इसमें। तो अब चने मैंने चढ़ा दिए हैं और अब मैं बना लूँगी सूजी, भून लूँगी और फिर आटा उसके बाद में भून दूँगी। तो सूजी भूनने के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं, घी ले लिया है, सूजी ले ली है और चीनी। तो जितना भी आप घी लोगे उतनी सूजी लेनी है और उतनी ही चीनी लेनी है। तो इसमें हलवा ना सबसे अच्छा और मतलब बहुत ही एकदम एग्जैक्ट बनता है। तो अब मैं डाल दूंगी कढ़ाई में घी, जितना भी मैंने घी लिया था वो सारा मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें सूजी। और सूजी को ना हमें मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है, बस धीरे धीरे हम इसको चलाते रहना है और फ्लेम फुल नहीं करनी है, बस अच्छे से इसको चलाना है। और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, एकदम सा ब्राउन ब्राउन सा ना हो जाए सूजी, तब तक हमें इसको भूनना है। और फ्लेम हमेशा मतलब पूरे प्रोसेस में मीडियम ही फ्लेम करनी है। और मुझे इसको भूनने में लगा होगा करीबन 10 मिनट मुझे इसको भूनने में लगा होगा। 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी और बस इसको इस तरीके से चलाते रहना है धीरे धीरे करके, और जब तक घी आपका सूजी के ऊपर से ना आ जाए आपको तब तक चलाना है। तो अभी सूजी हल्की हल्की भुनी है और इसमें मैं डाल दूंगी इलायची के दाने। इलायची के दाने मैंने हल्के हल्के से कूट लिए थे वो मैं डाल दूंगी। अभी डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सूजी में। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी देखो आप हल्का सा कलर चेंज हुआ है, अभी इसको और भुनना होगा, अभी अच्छे से भुनी नहीं है सूजी। तो अभी आप देख सकते हो कि सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ब्राउन ब्राउन से कलर हो चुका है सूजी का। और जो घी था वो ऊपर से सूजी के
मतलब आने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो बस अब आपको डालने हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ी देर छोड़ोगे तो घी अपने आप ही ऊपर से आ रहा है। तो मैंने बादाम छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल दिए थे इसमें, और बादाम भी ना अभी डालने से मतलब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, उसका टेस्ट ही अलग आता है, घी और सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को कम पसंद है तो किसी को ज़्यादा। तो मैंने मतलब नॉर्मल चीनी डाली है, ना ज़्यादा ना कम। तो मैंने जितनी सूजी ली थी उतनी ही चीनी ले ली है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। और मैंने एक बर्तन में पानी भी गर्म करने रख दिया है, इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। आप चाहे तो चीनी को पानी में भी मिक्स करके मतलब घोल के डाल सकते हो, पर मैंने चीनी इसी में ही मिक्स कर ली है। तो बस चीनी हल्की हल्की से घुल जाए, और उसके बाद पानी गर्म हो गया मेरा, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। और पानी डालना है जितनी आपने सूजी ली है उसकी चार गुना आपको उसमें ज़्यादा पानी डालना है। तो इस पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और पानी डालने के बाद आपको उसको चलाते रहना है। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब पानी ज़्यादा हो गया है, पर बस सूजी अभी 2 मिनट के अंदर सूजी फूल जाएगी और एकदम आपका हलवा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मतलब अच्छे से चला लूँगी, और आप देख सकते हो कि सूजी एकदम अलग अलग हो रखी है। अगर आपकी सूजी भुनी नहीं होगी ना अच्छे से तो उसमें गांठें बनने लग जाएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारी सूजी एकदम परफेक्ट बनी हुई है, मतलब भुन रखी है अच्छे से। और मैंने इसमें पानी सारा डाल दिया है, और आप देख सकते हो कि अब देखो सूजी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी, क्योंकि ना सूजी पानी में घुल के मतलब फूल सी जाती है। तो बस अब थोड़ी देर में मतलब 2 मिनट तक मैं इसको चलाते रहूँगी ऐसे ही फुल फ्लेम पे, और अब ये धीरे धीरे करके ऐसी गाढ़ी गाढ़ी होते रहेगी। और अगर आप इसको नहीं चलाओगे ना तो पूरे छींटे मारने लगता है ऊपर को, तो बस ऐसे धीरे धीरे चलाते रहना है आपको कड़ची से। तो सूजी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश। किशमिश पहले नहीं डालती हूँ मैं, बाद में ही डालती हूँ। और बस इसको किशमिश डाला, और अगर आपके पास नारियल है तो वो, मेरे पास नारियल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। नारियल को आप छोटे छोटे पीसेस में काट के या कद्दूकस करके डाल सकते हो। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको पकने में, बस अब जैसे जैसे ये गाढ़ी होते रहेगी ना तो सूजी एकदम बन मतलब एकदम अच्छे से बनेगी। अभी ये थोड़ा सा इसको और मुझे कुक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, किचन का मेरा काम हो गया है, मतलब सूजी मैंने भून ली है और चने भी बन चुके हैं, आटा गूंथ दिया है, तेल रखा है। और अभी अब करती हूँ, अब आ गई हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद में अभी बच्चे भी थोड़ी देर में शायद आ जाएंगे, और शानू मनी ने भी नहा लिया है। शानू नहा दो के स्मार्ट बन गया है, बस शानू कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, और अभी मैंने मंदिर के बर्तन वगैरह धो लिए हैं, और अब मैं करूँगी पूजा, उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं पूजा। तो यहाँ पे चने भी मतलब कुक हो चुके हैं, और मंदिर मैंने साफ़ कर लिया है, दिया बत्ती कर ली है। अभी हम आरती वगैरह नहीं की है, क्योंकि जब सारा मतलब भोग बन जाएगा माता रानी का उसके बाद ही हम आरती करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे, तभी देखो आप छोले देख सकते हो कि एकदम सूखे सूखे बहुत अच्छे बने हैं, जैसे माता रानी के प्रसाद में चढ़ते हैं वैसे ही छोले बने हैं। तो बस इसमें मैंने पानी भी बिल्कुल नहीं डाला, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये कुक भी हो रखे हैं। तो अब मैं सबसे पहले माता रानी के भोग के लिए निकाल दूँगी एक कटोरे में। तो यहाँ पे बच्चों ने भी नहा लिया था, मैंने मंदिर वंदिर साफ़ करके दिया बत्ती कर ली थी मंदिर में, और अभी हमने पूजा नहीं करी है, मतलब आरती वगैरह नहीं करी है। तो आप देख सकते हो कि चने एकदम परफेक्ट बने हैं, और सूजी भी बहुत अच्छी बनी है। तो बस अब मैं बना लूँगी पूरियाँ, और ये मैं कर दूँगी साइड में माता रानी के लिए। और प्रसाद के लिए नारियल भी काट के रख दिया है छोटे छोटे पीसेस में, और उसके बाद मैंने पूरियाँ भी धीरे धीरे करके बनाई। मतलब अभी भी सिर्फ मैं भोग के लिए बनाऊँगी, और कन्याओं के लिए, कन्या पूजन के लिए मैं बाद में बनाऊँगी, पहले आरती वगैरह कर लेंगे उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बन चुकी हैं माता रानी के भोग के लिए, और उसके बाद अब मैं माता रानी की प्लेट सजा लूँगी। मतलब जो भी माता रानी को हम भोग लगाएंगे वो मैं प्लेट में रख लूँगी, और फिर उसके बाद मैं ले चलूँगी मंदिर में, और फिर करेंगे हम मिलके आरती सब लोग।
तो यहाँ पे सबसे पहले थाली मैंने माता रानी की भोग के लिए बना ली है और अब हम करेंगे आरती। मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानन स्वामी कहत हरोहर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया हरणी तुमको निस दिन दावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हमारी हो गई है और आरती भी हमने गाली है। उसके बाद मैंने बना ली थी पूड़ियाँ सारी बच्चों की और अब मैं ना उनकी प्लेट मतलब बना लूँगी क्योंकि ना आज अष्टमी है तो बच्चे ना ज़्यादा देर रुकते नहीं है, बस आते हैं थोड़ा उनको टीका वगैरह लगाया उसके बाद वो थोड़ा बहुत खाते हैं चले जाते हैं। तो मैं पहले ही उनकी प्लेट रेडी कर लेती हूँ ताकि वो फिर जाना है कहते हैं तो जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने उनके लिए पूड़ियाँ सारी बना के रख ली है और अब मैं उनकी प्लेट्स में मतलब जो भी मुझे उनको देना है वो सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोले निकाल लिए हैं कुकर से और प्रसाद भी मैंने निकाल के इसमें रख दिया है और अब मैं बच्चों की प्लेट्स को बना लूँगी क्योंकि अभी बच्चे बस आने ही वाले थे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की जो भी मैंने प्लेट्स में डालना था वो मैंने डाल के पहले से ही रख लिया था। तो ये है कन्या पूजन की प्लेटें जो अभी मैं बच्चों को दूंगी और बस अभी थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं। फ्रेंड्स बच्चे नीचे भाभी लोग के घर में आ चुके हैं, अभी हमारे घर में आने वाले हैं और शानू बने भी ना नीचे गए हैं और मैंने यहाँ पे दरी वरी बच्चों के लिए बिछा ली है और सारी तैयारी मैंने कर ली है। प्रसाद और हैंकी जो भी बच्चों का देने का सामान था वो मैंने सबके लिए बना के रख दिया है पहले से क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा देर वेट नहीं करते, फटाफट से उनको जाने की हो जाती है। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है हमारी लास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे आ चुके थे और यहाँ पे मेरी कन्या पूजन की तैयारी हो रही है और बच्चों को मैंने टीका लगाया, उनके पाँव वगैरह धुलाए और उसके बाद मैं उनको प्रसाद दिया, उनकी भोजन थाल दी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे। थोड़ा बहुत उन्होंने खाया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो बहुत जगह गए थे तो इतना तो बच्चे नहीं खाते, थोड़ा बहुत उन्होंने खाया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरा व्रत का उद्यापन हुआ आज और यही था मेरे आज के ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।